वेलकम टू आर टुडेज चेस सेशन। एंड आज के चेस सेशन में हम एक नई ओपनिंग सीखेंगे, जैसे कि हम पहले भी मैंने आपको तीन से चार ओपनिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो आज हम एक ये अपनी हमारी फिफ्थ ओपनिंग जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड सिसिलियन डिफेंस। सो सिसिलियन डिफेंस जो गेम है वो काफ़ी फेमस गेम है, वो अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं वो सिसिलियन डिफेंस से गेम खेलते हैं। सो लेट्स लुक एट आर चेस बोर्ड, हमारा चेस बोर्ड रेडी है, तो चलिए हम अपने चेस बोर्ड की तरफ देखते हैं और आई विल टेल यू हाउ टू प्ले इन सिसिलियन डिफेंस। सो एज यू कैन सी वाइट टू मूव फर्स्ट ऑलवेज इन अ मैच, वाइट हमेशा पहले मूव करता है। सो वाइट विल मूव दिस पॉन e4 एंड ब्लैक मूव c5। सो वेन यू सी दिस सिचुएशन इन योर चेस बोर्ड, जब आपको ऐसी सिचुएशन नजर आती है अपने चेस बोर्ड के अंदर, दिस इज कॉल्ड सिसिलियन डिफेंस। सो हियर देन वाइट डेवलप हिज नाइट आउट एंड ब्लैक डेवलप हिज नाइट आउट हियर f6। सो व्हेन ब्लैक मूव्स हिज नाइट, दिस इज ऑलरेडी अ डूबियस मूव, बिकॉज इन सिसिलियन डिफेंस हमेशा जो सबसे अच्छी मूव होती है, जो बेटर मूव्स होती है, वो या तो हम चलेंगे ये d6 या फिर हम चलेंगे e6, बट ही हैज़ मूव हिज नाइट आउट। सो यहाँ पे अगर वाइट चाहे तो वाइट कैन डायरेक्टली मूव टू दिस मूव एंड ही कैन थ्रेट, ही इज थ्रेटनिंग टू टेक हिज नाइट, बट ही विल नॉट मूव दिस एंड ही मूव समथिंग डिफरेंट, ही डेवलप हिज नाइट अगेन, उसने वो वापस से अपना नाइट डेवलप करता है एंड देन ब्लैक मूव्स this pawn here and he moves this white pawn here. So as you can see now black takes white here and white takes black pawn like this. So now at this moment he just developed his bishop here. As you can see जब उसने bishop को यहाँ पर develop किया तो आप देख सकते हो कि ही इज थ्रेटनिंग द नाइट ऑल्सो द चेक हियर, आपको दिख रहा है वो उसे पिन कर दिया है, नाइट को भी थ्रेट कर रहा है एंड चेक भी जा रहा है। सो यहाँ पे अब वाइट जो है थोड़ा सा ही इज स्टक इन अ वे एंड ही हैज़ टू मूव समथिंग ब्रिलियंट, उसे कुछ ब्रिलियंट मूव यहाँ पे करना पड़ेगा बिकॉज द ब्लैक नाइट इज थ्रेटनिंग वाइट दिस white pawn also. So he has to, if let's say he moves this by this pawn here, he takes this easily, so there is nothing big and so he directly do one thing, he wo seedhe knight ko threat karta hai yahan pe, if he takes so he is directly threatening the knight and he moves his knight here at this moment. Now the situation is more worst for the white because now उसके knight पे double attack हो रहा है, bishop से भी attack हो रहा है और ये knight से भी attack हो रहा है, so he is not gonna move this move here and he is still stuck. So he will move this bishop out, ठीक है, उसने ये bishop को बाहर निकाल दिया यहाँ पे, because if he takes then the check is not there and his pawn can also take the knight. So let's see if he takes the knight से अगर उसने knight ले लिया, he captures knight and white takes the his knight, black knight. So we take and remember हमें यहाँ पे pawn से knight को लेना है, bishop से knight को नहीं लेना है, because if we want to lose something then we will lose our pawn, not our minor piece. ठीक है, हम अपने pawn को lose कर देंगे but अपने minor piece को नहीं. So as you are seeing that in Sicilian defense उसने जो पूरा डिफेंस किया तैयार किया था वो पूरी तरीके से टूट चुका है एंड नाउ ही हैज़ टू गो बैक, अब उसे वापस जाना होगा और वो वहाँ से ही विल गो बैक लाइक दिस एंड द रीज़न इज़ कि वो वापस क्यों गया, आप कहता यू मे से दैट कि वो यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे नहीं जाएगा लेकिन वो यहाँ पे आ सकता था, बट वाई ही मूव देयर, बिकॉज इफ ही इज़ नॉट मूविंग देयर एंड इफ ही मूव्स हियर एंड वी मूव आर दिस क्वीन हियर एंड वी आर अटैकिंग द पोन ऑल्सो द रूप, उसका रूप पे भी हम अटैक कर रहे हैं और कौन पे भी अटैक कर रहे हैं. सो ही हैज़ टू मूव हियर, नाउ वी डेवलप आर नेक्स्ट बिशप हियर. सो यू सी हमारी जो सिचुएशन है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
स्ट्रोंग कैसे हैं, एज यू कैन सी कि हमारे सारे माइनर पीसेज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, हमारा नाइट डेवलप है, हमारे बिशप डेवलप है, बट ब्लैक के सारे पीसेज ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। इफ़ ही मूव्स दिस एंड यू सी उसके दोनों बिशप्स ब्लॉक हो गए हैं, ही कैन नॉट मूव एनी वेयर। सो दैट्स हाउ वी प्ले इन सिसिलियन डिफेंस। थैंक यू सो मच फॉर टूडेज़।